आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ। 64 उपार्जन केंद्रों पर 20 मार्च से होगी खरीदी। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2024 और 25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत खरगोन जिले में कुछ गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आज 15 मार्च से गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी गई। शासन द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपए की वृद्धि की गई, जो समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। अब किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। जिले में गेहूं के उपार्जन केंद्रों पर किसान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार तक क्रय विक्रय कर सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया, वे 16 मार्च को 2024 तक अनिवार्य रूप से करा ले। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए उपार्जन समिति के प्रस्ताव के अनुसार गेहूं के लिए उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया गया। आज 15 मार्च को गेहूं उपार्जन केंद्र कसरावत में, उपार्जन केंद्र देवश्री सहकारी संस्था मंडी परिसर में, खरगोन में श्री गणेश सहकारी विपणन समिति बिस्टान रोड तथा भीकन गांव सोसाइटी लिमिटेड ऑपरेटिव मंडी परिसर में गेहूं की खरीदी प्रारंभ की गई। जिले के समस्त किसान बंधुओं से अपील की गई कि समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुक करवाएं। जिले के 64 अतिरिक्त गेहूं उपार्जन केंद्रों पर 20 मार्च 2024 से गेहूं की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।